दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों दिल्ली के खिलाफ मुंबई की जीत के बाद सचिन तेंदुलकर, रिकी पॉन्टिंग, सौरव गांगुली ने दिया क्रिकेट जगत को हिलाकर रख देने वाला बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, दिल्ली और मुंबई के बीच खेले गए रोमांचक मैच में मुंबई की टीम को जीत मिली है, जिसके बाद सचिन तेंदुलकर, रिकी पॉन्टिंग, सौरव गांगुली ने मुंबई की जीत के बाद एक ऐसा बड़ा बयान जारी किया जिसको सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आखिरकार सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, रिकी पॉन्टिंग ने मुंबई की जीत के बाद क्या बयान जारी किया, ये तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या में से कौन है खतरनाक खिलाड़ी, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, दिल्ली और मुंबई के बीच आज वानखेड़े के मैदान पर रोमांचक मैच खेला गया, जहां पर इस मैच में दिल्ली की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए मुंबई की टीम को रोहित शर्मा के 49, ईशान किशन के 42 और डेविड के 45 और शेफर्ड ने 39 रन का योगदान देते हुए मुंबई की टीम को 234 रन 5 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में पहुंचा दिया। हालांकि इसका पीछा करने के लिए जैसे ही दिल्ली की टीम मैदान पर आई, लेकिन दिल्ली की टीम शुरू से तेजी के साथ बल्लेबाजी करने का प्रयास कर रही थी, लेकिन यहां पर ट्रिस्टन स्टब ने शानदार बल्लेबाजी की परंतु टीम को जीत नहीं दिला पाया। ऐसे में मुंबई की जीत के बाद सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और रिकी पॉन्टिंग ने हैरान कर देने वाला बयान जारी किया, जिसमें सचिन तेंदुलकर ने बयान देते हुए कहा है कि इस मैच में मुंबई की टीम की जीत को देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूं, क्योंकि इस मैच में मुंबई की टीम को जीत मिल गई है, जिसके बाद मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई है। मुझे लगने लगा है कि मुंबई की टीम ने इस मैच में जिस प्रकार से जीत दर्ज की है, उसके चलते हम मुंबई की टीम को आने वाले मैच में जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि मुंबई की टीम को आज के मैच में किसी भी कीमत पर जीत चाहिए थी, क्योंकि हमारी टीम को इस समय मोमेंटम की काफी ज्यादा आवश्यकता थी, जो मिल चुका है। ऐसे में इस मैच में जीत के हीरो रहे हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा के प्रदर्शन को देख मैं काफी ज्यादा खुश हूं, और मैं चाहता हूं कि इसी तरीके से मुंबई की टीम आने वाले मैच में भी बेहतरीन प्रदर्शन करती रहे। तो वहीं रिकी पॉन्टिंग ने बयान देते हुए कहा है कि मुंबई की टीम को इस मैच में जीत दर्ज करने का मौका मिला है, उसको देखकर मैं काफी ज्यादा निराश हूं, क्योंकि इस मैच में मुंबई की टीम की तरफ से कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं था जिसने खराब प्रदर्शन किया हो। हालांकि मुंबई की टीम की तरफ से जिस प्रकार से रोहित शर्मा ने शानदार शुरुआत की और इसके बाद में हार्दिक पांड्या ने अपनी कप्तानी पारी खेलने के साथ अपनी शानदार कप्तानी से टीम को जीत दिलाने का कार्य किया, उसको देखकर दिल्ली की टीम को काफी कुछ सीखने की जरूरत है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि दिल्ली की टीम को अब आने वाले मैच में बेहतर प्रदर्शन करना पड़ेगा, अन्यथा दिल्ली की टीम को प्लेऑफ से बाहर होना पड़ सकता है। तो वहीं सौरव गांगुली ने बयान देते हुए कहा है कि इस मैच में हमारी टीम की तरफ से गेंदबाजी काफी ज्यादा खराब रही, जिस प्रकार से अंतिम ओवर के अंदर रोमारियो शेफर्ड ने 32 रन बटोर लिए, वही जीत और हार का बड़ा अंतर पैदा कर गया, क्योंकि अगर वहां पर रोमारियो शेफर्ड बेहतरीन बल्लेबाजी नहीं करते तो मुंबई की टीम को इस मैच के अंदर जीत नहीं मिल पाती। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि इस मैच में कप्तान ऋषभ पंत की भी बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को नहीं मिली है, कप्तान को अपनी कप्तानी पारी खेलनी चाहिए थी और अपनी जिम्मेदारी को समझकर टीम को जीत दिलाने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा इस मैच के अंदर देखने को नहीं मिला। हालांकि मुंबई की टीम के खिलाफ दिल्ली की हार के बाद अब टीम को बदलाव की काफी ज्यादा जरूरत है, जिसके चलते हम जीत के साथ वापसी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इस मैच में मुंबई की टीम की जीत के असली हीरो कौन रहे, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।